सकते हैं। ये देखिए, ये पेपर है, ये हमने इसका हाफ करना है, ये हाफ कटिंग, मैं इसका पेपर का हाफ कटिंग हाफ कर रहा हूँ इसका। ये देखिए, ये पेपर अभी हमने, ये हमने इधर इसका दाब है, ये दाबा नीचे किया हमने, ये दाब नीचे आ रहा है, इसके ऊपर पेपर के ऊपर पूरा बैठ जाएगा, ये दाब बैठ गया। अभी ये देखो, ये हैंडल मैंने नीचे किया, ये पूरा कटिंग हो जाएगा। ये देखो, ये हाफ दो पीस हो गए पेपर का, बहुत इजी कटिंग और बिल्कुल सफाई कटिंग की आती है, बिल्कुल साफ कटिंग आता है। ये देखिए, हमने हाफ कर दिया इसका, अब डब्बा ऊंचा कर दिया हमने। अभी ये हम पेपर, दोनों पेपर इकट्ठा करके 400 पेज हो जाएगा ये। ये देखिए, हमने ये पूरा का पूरा लगा देंगे हम, तब भी पूरा कटिंग करेंगे। हमने इसका गेज आगे कर लिया हल्का सा, अभी ये 400 पेज है, 400 पेज का पूरा हमने डब्बा नीचा किया इसे। ये इसका क्लैंपिंग हो गया, थोड़ा दाब नीचे आ गया। अभी हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये इसमें लॉक सिस्टम भी है, सेफ्टी है, क्योंकि इसमें कभी सुई अपने आप नीचे नहीं आएगा, इसका सेफ्टी है, ये सेफ्टी लॉक है। इसको जब भी सुई को नीचे करना है, आप सेफ्टी लॉक को ऐसे ऊपर करेंगे तभी ये सुई नीचे आएगा, ऐसे जोर लगाएंगे तो ऐसे नहीं आएगा। इसको लॉक को ऐसे नीचे करके फिर हल्का इधर ले लो, फिर नीचे आएगा, ऐसे किया है। और अभी ये देखना, बहुत ईजी कटिंग होगा। ये देखो, मैं अभी दबाऊंगा, आप देखना, बहुत ईजी, कोई पावर नहीं ज्यादा लगता, कोई जोर नहीं लगता इसमें, बहुत कोई पावर, हाथ का हैंड का पावर नहीं लगेगा ज्यादा। ये हमने 400 पेज पूरा का पूरा 400 पेज, ये देखिए हमने कटिंग कर दिया पूरा 400 पेज, आराम से कटिंग होता है, कोई इसमें ज्यादा पावर नहीं लगेगी। और सेफ्टी भी है इसमें, पूरा सेफ्टी है इसमें। हमने ये दाबा ऊंचा कर दिया, ये देखिए, अभी ये देखो प्रॉपर कटिंग, बिल्कुल सफाई है कटिंग की, बिल्कुल साफ कटिंग आती है, प्रॉपर कटिंग आ जाती है। इतना पेज एक बार में इकट्ठा का इकट्ठा हम ये देखो कर सकते हैं इतना, ठीक है। अभी हम ये बुक है, ये अभी ये बुक का हमने ये कटिंग करके दिखाएंगे अभी आपको। ये बुक है पूरी, ये हम बुक लगा दिया इधर, देखना हम इसको गेज को थोड़ा पीछे कर लिया, यहाँ गेज आगे पीछे कर सकते हैं। पूरी मार्किंग दिया हुआ, कितने एमएम पे काटना है आपने, पूरा मार्किंग लगा हुआ है सारा, जितने एमएम पे काटना है उतने पे गेज लेके उसको टाइट करके आप उसको पूरा कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, हमने बुक लगा दिया, अब इसका जो दाबा है इसका पूरा नीचे इसको दबा दिया। अभी ये देखना, ये कटिंग बहुत इजी हो जाएगी इसका। फिर जब भी हमने इसको नाइफ को नीचे करना है, ये लॉक है, ये लॉक है, लॉक को पूरे यहां से करेंगे, फिर ओपन होएगा, फिर नीचे आएगा लॉक, इसे वैसे सुई नीचे नहीं आएगा, सेफ्टी है। ये अभी देखना, ये अभी हमने बुक को लगाया, बहुत इजी है कटिंग करना, बहुत आराम से कटिंग हो जाता है, कोई ज्यादा पावर नहीं लगेगी, कोई ज्यादा आपका हैंड का ज्यादा जोर नहीं लगता, कुछ भी ताकत नहीं ज्यादा लगेगी, कम ताकत में ही ये कट जाता है, बहुत इजी है। ये देखो, आप बुक कटिंग कर सकते हैं, इसमें आप डिजिटल ऑप्शन में काम आ सकती है, आप दुकान में शॉप में ये रख के बहुत इजी, कोई बुक बाइंडिंग का काम कर रहा है, जब कोई भी पेपर कटिंग करना है उसमें बहुत इजी कटिंग हो जाता है। और ये देखिए, इसमें ये भी सेफ्टी कार्ड है, ये सेफ्टी कार्ड ऐसे करके भी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल सेफ्टी है। इसके आगे एक ग्लास भी लगा रहता है, ये देखिए अभी मैं दिखा रहा हूं, अभी ये ग्लास है, अभी ये ग्लास भी आगे लगा रहे हैं तो और भी सेफ्टी है। देखिए ये ग्लास है, ग्लास इधर लगा रहेगा और भी सेफ्टी, ऐसे करके भी कटिंग कर सकते हैं, ऐसे ये ग्लास लग के ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। अभी मैं बुक लगाऊंगा, अभी फिर बुक लगा के ऐसे कटिंग करूंगा, सेफ्टी है कि हाथ आगे नहीं जाएगा, बिल्कुल सेफ्टी से कटिंग होता है। हमने बुक लगा दी है, फिर दोबारा
ये देखिए दबा नीचे किया हल्का सा हमने, कोई ज्यादा पावर नहीं लगेगी आपकी, कोई ज्यादा ताकत नहीं लगेगी। अभी फिर लॉक हमने दबाया, जैसे लॉक दबाना हमने, ये गया, ये हमने किया नीचे, कोई ज्यादा पावर नहीं लगी, बहुत आराम से इजी से कटिंग हो गया। आप इसको बुक बाइंडिंग में या डिजिटल ऑफसेट में कहीं भी आप इसको बुक कटिंग बहुत इजी है, कोई पेपर कटिंग करना है बहुत इजी है, 300-400 पेज एक बार में बहुत इजी है करना इसको। ये देखिए बुक है, बिल्कुल प्रॉपर शेप आती है, कोई क्रॉस नहीं आता, कोई टेढ़ी कटिंग नहीं होती, बिल्कुल साफ सीधी कटाई आती है, बिल्कुल सीधा का सीधा कटिंग आएगा। आप इसमें शॉप में टेबल टॉप टेबल पे रख के कहीं भी रख के थोड़ी सी जगह लेगी, ज्यादा जगह नहीं लेगी, थोड़ी सी जगह लेने से ही आपका पेपर कटिंग का जो प्रॉपर जो सॉल्व हो जाएगा, हर काम जो प्रॉपर कटिंग हो जाएगी। कोई आप इसमें विजिटिंग कार्ड काट सकते हैं, कैटलॉग काट सकते हैं, विजिटिंग कार्ड कोई छोटा छोटा जो भी काटना हो काट सकते हैं, कैटलॉग हो, कोई बुक्स या ऐसे कोई और स्टेशनरी कुछ और भी कटिंग करना हो तो सभी कटिंग हो जाता है। कोई फोटो एल्बम फोटो कटिंग करना है फोटो भी इसमें कटिंग हो जाता है, कट्ठा जैसे 50 फोटो एक बार में रखा 50-50 फोटो, लेवल कटिंग करना है वो हो सकता है, अब विजिटिंग कार्ड है 50-50 कट्ठे रख के भी कटिंग कर सकते हैं, पासपोर्ट है फोटो कोई जो और भी जो भी कोई स्टेशनरी आइटम है सभी इसमें कटिंग हो जाता है, कोई भी आइटम है सभी अब कटिंग, बुक्स है नोटबुक है, ये देखिए सर ये नोटबुक है ये भी इसी में हमने कटिंग किया, अभी इसमें हमने ये नोटबुक है ये सभी इसी में कटिंग किया, ये नोटबुक भी इसी में कटिंग किया हुआ है, ये नोटबुक है, ये थोड़ा सा मैं इसको और कटिंग करके अभी आपको दिखा रहा हूं, अभी ये देखिए ये बुक देखिए, ये दोनों बुक्स हम एक साथ में लगाते हैं, अभी ये प्रॉपर कटिंग करके इसको भी मैं अभी दिखा रहा हूं। इसका गेट पीछे से कट कर लेते हैं हम, ठीक है, हल्का सा इसको दबा नीचे किया, ठीक है, अभी हमने ये लॉक इधर ये वाला लॉक है, ये लॉक को हमने नीचे किया और इसको फिर थोड़ी नीचे किया, ये देखिए बहुत इजी है, ये नोटबुक को भी कटिंग आप आराम से कर सकते हो, इसमें डब्बा ऊंचा किया हमने ये निकाल दिया, ये देखो हमने नोटबुक की कटिंग किया, दो नोटबुक रखा था, बिल्कुल इजी है इसमें कटिंग करना, नोटबुक भी आप इसमें कोई नोटबुक है बुक्स है बुक बाइंडिंग कोई भी काम करना हो इसमें कर सकते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी नोटबुक भी इसमें पहले हाफ कर सकते हैं, इसमें सेंटर कट मार लो, सेंटर कट मारने के बाद आप तीनों साइड इसी को भी कटिंग कर सकते हैं। अभी ये वाली नोटबुक है इसको मैंने आपको हाफ कट मार के इसको भी आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये नोटबुक है इसको हमने पहले हाफ कर लिया, इसको इसको यहां करके इसका दबा नीचे किया हमने, अभी ये देखिए हमने ये लॉक जो है इसको नीचे किया फिर इसको कटिंग किया, ये देखो बहुत इजी है, एक बार दो नोटबुक ऐसे जो सिंगल डबल था उसको हमने हाफ कर दिया, हाफ कटिंग हो गया, देखिए अभी हम इसको फिर लगा सकते हैं, अभी हम इसको ये देखिए ये फ्रंट साइड कटिंग करना है या पीछे वाली साइड कटिंग करना है वो भी हम कर सकते हैं इसको, जैसे हमने ये दोनों नोटबुक लगा के दूसरी साइड भी आप कटिंग करेंगे, अभी
हमने दफा दिखा किया। देखिए अभी हमने ये दोनों नोटबुक हमने रख दिया, लॉक ओपन किया, इसके नीचे किया, अभी ये देखो दोनों नोटबुक बहुत इजी कटिंग हो गया। ठीक है जी, अभी हमने इसको दबा ऊपर किया, ये ले लिया। अभी हम इसका ये देखो दोनों साइड में हो गया इसको। अभी हम इसका फ्रंट साइड जो है, फ्रंट साइड भी इसको फिनिश कर सकते हैं। इसको फ्रंट साइड अभी फिनिश करेंगे हम। अभी ये इसका हमने दबा नीचे किया है, द्वारा दबा नीचे किया। अभी ये लॉक हमने नीचे किया। जब भी हमने इसको छुरी को नीचे लेना है ऐसे, ये देखो अभी अभी ये जोर लगाएंगे नीचे नहीं आएगा। अभी सेफ्टी है कि हाथ कुछ और हो तो नहीं नीचे आएगा। इसको हमने लॉक को नीचे करेंगे तभी वो नीचे आएगी। नाइस, ऐसे फिर किया, ये कटिंग हो गया, बहुत ईजी है। ये देखिए कटिंग हो गया। अभी ये देखो नोटबुक जो है ना, अभी साइड से ये देखो, ये देखिए सभी साइड से ये पूरा कटिंग हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, तीनों साइड एक साइड बाइंडिंग है, तीनों साइड इसका पूरा कटिंग हो गया है। ये देखो इतनी बड़ी नोटबुक थी ये वाली, इतनी बड़ी ये डबल नोटबुक थी। हमने इसका पहले सेंटर कट मार लिया, फिर ये दोनों साइड कर लिया, फिर ये वाला कर लिया, ये नोटबुक ऐसा पूरा तैयार हो गया। इसमें कुछ भी नोटबुक है, बुक्स है, कुछ और जो भी आइटम स्टेशनरी आइटम है, ये पेपर हमने कटिंग किया। ये देखो ये एक बार में हमने 400-500 पेज ये हमने कटिंग किया था, ये वाला बहुत इजी है, कोई क्रॉस नहीं आता, सीधा पेपर कटता है, बिल्कुल बहुत इजी है। और मशीन की प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, रीजनेबल प्राइस में बहुत मतलब इजी है। ये हैंड प्रिंटेड मैनुअल पेपर कटिंग मशीन है, ये मैनुअल हैंड प्रिंटेड पेपर कटिंग मशीन है। लेकिन इस मशीन को आप परचेज करना चाहते हैं कि इसको जो नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं, उसमें वो नंबरों पे आप कॉन्टेक्ट करके उस अकाउंट में जो अकाउंट नंबर देंगे उसमें पैसे जमा करा के कराएंगे तो हम इसको मशीन को कुरियर करवा देंगे। आप कुरियर की जो स्लिप जो रसीद होगी वो आपको व्हाट्सअप में या आपका जो कहीं भी मोबाइल नंबर है या किसी ने आपको उसको बता दिया जाएगा और आपके घर तक ये कुरियर तक पहुँच जाएगी। आपके घर तक जो कुरियर आपके घर तक छोड़ के आएगा और मेरा इंजीनियर जो है आपको वहां आके ये कोई प्रॉब्लम आया तो वहां आपके घर आके इसकी ट्रेनिंग भी दे सकता है। जेकर आपको कोई चलाने की जहाँ कोई मुश्किल आती है वो भी ट्रेनिंग मिल सकती है, वो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको परचेज करना हो ये ध्यान रखें, इसमें जो दिए गए नंबर है उसमें कॉन्टेक्ट करके या उसमें व्हाट्सअप जो नंबर दिए है उनपे व्हाट्सअप है, जो नंबर इसमें दिए डिस्क्रिप्शन में वो व्हाट्सअप पे आप मैसेज करो कि हमने ये मशीन लेना है, व्हाट्सएप पे हम उसका रिप्लाई देंगे, हम आपको ये मशीन कुरियर करवा देंगे, आपके घर तक पहुंच जाएगी, बहुत इजी है ये। मैं अभी आपको फिर एक बार में ये पेपर फिर दोबारा काट के कटिंग करके अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हमने ये दो साइड से कटिंग किया था, इधर वाला साइड ए साइड कटिंग किया, अभी मैं इधर से भी आपको कटिंग फिनिश करके पेपर अभी दिखा रहा हूँ अभी आपको। अभी हमने दाबा थोड़ा ऊंचा लिया, हमने दबा नीचे किया थोड़ा सा इसको, ये लॉक नीचे किया हमने, जो लॉक ये बहुत इजी है कटिंग करना। चलिए अभी हम इसको बैक साइड में था जो दबा थोड़ा ऊंचा की लिया, फिर दूसरी साइड से हमने किया, राइट एंगल से लगाया हमने पीछे ये से, अभी इधर कटिंग होएगा।
यहाँ इसको सेटिंग कर लिया, थोड़ी कटाई का मार्जिन दे दिया इसको, यहाँ हमने दबा नीचा किया। फिर इसका जब पेपर हमने कटिंग करना है ना, दबा ऊपर इसको थोड़ा टाइट करेंगे, पेपर को टाइट होएगा फिर इजी कटिंग होएगा। जेकर आप इसको दबा को नीचे नहीं करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे, इसको दबा को पेपर को पहले ब्रश नहीं करेंगे तो फिर वो कटिंग अच्छा नहीं होता, पेपर हिल जाता है। इसीलिए जो दबा, ये दबा है, इससे जो दाब है पेपर के ऊपर बैठ जाती है, कोई पेपर को प्रेस हो जाती है, फिर वो कटिंग करती है, फिर छुरी इजी कटिंग होती है। ये देखिए अभी मैं पेपर लगा दिया, 400 पेपर लगा हुआ है, अभी एक हाथ से मैं कटिंग करूंगा, ये देखना बहुत इजी है। ये अभी हमने लॉक को ओपन कर दिया, ये हमने एक ही हाथ से कटिंग करेंगे, देखो बहुत ईजी है, कोई ज्यादा ताकत नहीं लगती, कोई पावर नहीं लगेगी ज्यादा, एक ही हाथ से बहुत ईजी है, इजी कटिंग कर सकते हैं। ये हमने ऊपर कर दिया दबा, ये देखिए हमारा पेपर जो था, ये 400 पेपर चारों साइड से हमारा कटिंग हो गया, चारों साइड से हमारा बिल्कुल प्रॉपर कटिंग आ गया, इधर भी हो गया, ये साइड में भी हो गया, सभी साइड में प्रॉपर कटिंग आ गया। अब इसको पेपर जो कटिंग करना है बहुत इजी कर सकते हैं, मैनुअल हैंड प्रिंटेड है, इसमें सभी मार्किंग दिया हुआ है, एमएम में जो भी आप जितने एमएम काटना चाहते हैं, इंच में कितने इंची काटना है, एमएम में काटना है, उतना सारा मार्किंग है उसमें, देख के आप उतना पेपर या बुक्स, कोई नोटबुक्स, कोई हर आइटम जो है इसमें कटिंग कर सकते हैं। ये कहते हैं ये मशीन है, जब आपके पास से ये कुरियर से पहुंचती है, इसको बॉक्स में ओपन, जब बाहर निकालते हैं मशीन को, बॉक्स से बाहर निकालते हैं, इसको कैसे फिटिंग करना है, कैसे चालू करना है, तो आपको थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि देखिए इसमें ये टूल बॉक्स है इसका, इसको थोड़ा नीचे से ऊपर उठाएंगे, ऐसे ऊपर उठाएंगे, ऊपर को निकलाता है ऐसे, ऐसे निकलने के बाद ये देखिए ये एलन की इसमें है, ये एलन की बाहर निकालेंगे, ये वाला जो हैंडल है ये हैंडल ऐसे घूमेगा नहीं, ऐसे इस हैंडल को ये एलन की से ये बोल्ट इसको खोल लेंगे, बोल्ट इसका, ये बोल्ट इसका पूरा हमने बाहर निकाल लिया, ये वाला ये बोल्ट बाहर निकाल के, ये लीवर बाहर निकाल लिया हमने, बाहर निकाल के इसको ऐसे लीवर को डालना है, क्योंकि जब हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग करते वक्त ये बाहर आ जाता है, ऐसे हम ऐसे करके पैकिंग करते हैं इसको, जब हमने लगाना है फिर इसको ऐसे मशीन के साथ फिटिंग कर लेना है, ऐसे ये वाला हैंडल जो है इसमें फिटिंग हो जाएगा, फिटिंग होके आगे फिर ये बोल्ट है वो आगे टाइट कर देना है एलन की से, ये आपने ये टाइट कर दिया, इससे ये ध्यान में रखना है कि ये हैंडल जो है ऐसे बाहरली तरफ को आए, ऐसे बाहरली तरफ आएगा तो मशीन के साथ टच नहीं रहेगा। ये हमने इसको टाइट कर दिया, ये दबा नीचे ऊपर करने के लिए है, ये इधर को दबा नीचे आएगा और इधर को दबा ऊपर जाएगा, ये साइड में दबा, ये राइट साइड को क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो दबा नीचे आता है, एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो दबा ऊपर जाता है इसका, जो पेपर को ग्रिप करता है। ये एलन की हमने फिर इसमें टूल बॉक्स में रख दिया, इधर ये टूल बॉक्स में हमने एलन की रख दिया, ये टूल बॉक्स का ढक्कन लगा दिया ऊपर हमने, ये बंद हो गया। अभी ये इसका हैंडल था, इसका लॉक वाला जो इसको सुई को नीचे करने वाला था, ये हैंडल हमने पैकिंग के टाइम ऐसे नीचे होता है, इसको बाद में ऐसे ऊपर करके रखना है, ऐसे ऊपर किया हमने, ये लॉक इसमें फंस गया, ये लॉक नीचे करेंगे तभी छुरी नीचे आता है। अभी ये हैंडल है इसका, ये हैंडल है, ये देखिए ये हैंडल इसके इसके साथ यहाँ फिटिंग होता है, ये हैंडल ऐसे लग के मशीन फिटिंग हो गया पूरा। ऐसे फिटिंग होने के बाद जब भी इसको पेपर रखना है, दाबा इधर से नीचे कर लेना है क्लॉक वाइज घुमा के, फिर इसको लॉक को नीचे ऐसे करना है, ओपन हो गया, ऐसे नीचे छुरी ऐसे आता है, ऐसे ऊपर जाता है, इतना सही काम है, कोई और काम नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें आगे सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है, ये सेफ्टी गार्ड है, इसको नीचे भी इधर लगा रख सकते हैं, पेपर रखने के लिए बड़ा पेपर है, इसको नीचे इधर कर सकते हैं, आगे इसके ऊपर पेपर बैठ जाता है, इसको ऊपर भी ऐसे रख सकते हैं, ये आगे ग्लास भी लगा रहता है, ये ग्लास भी लगा सेफ्टी है। ये देखिए ये इधर दाबा है, इसको पेपर जब रखना है, इसको पेपर को इधर से दाब और पेपर को प्रेस करके, और पेपर प्रेस हो जाता है पूरा पकड़ में आ जाता है, फिर इसके बाद में ये नाइफ वाला होल्डर है, ये इसमें लॉक जो है ये नीचे ऐसे प्रेस करेंगे तभी ये आएगा नीचे, ऐसे भी नीचे नहीं आएगा, ऐसे लॉक फंसा रहता है, कोई मतलब सेफ्टी के लिए ऐसे बना हुआ है, ऐसे लॉक नीचे करेंगे तभी ये नाइफ नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे ऊपर चलेगा। इसमें ये पूरा पीछे गेज है,
ये से आप जितना बड़ा छोटा पेपर काटना चाहते हैं यहाँ से ये सेट कर सकते हैं। ये इसको जो नॉब लगी है इसको लूज और टाइट करके थोड़ा इसको पीछे पूरा ले सकते हैं। जहां भी जितना बड़ा आपका पेपर है पूरा पीछे तक जा सकता है, थोड़ा आगे आ सकता है। जहां भी आपने कटिंग करना है, इधर करना है, इधर करना है, कहीं आगे छोटा करना है, बड़ा करना है, जितना भी आगे पीछे जाके वो नॉब को जहाँ टाइट कर लेंगे वहां पे ये सेट हो गया। अभी इसके साथ पेपर लगा दिया और कटिंग हो गया। टूल बॉक्स है, इसमें टूल बॉक्स में ये देखिए इसके अंदर एलन की बोल्ट, जो नाइफ के एक्स्ट्रा बोल्ट दिए हमने, ये एक्स्ट्रा बोल्ट है। दोस्तों आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।